हरे कृष्ण मूवमेंट के द्वारा जन्माष्टमी महोत्सव में भगवान कृष्ण का भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर हजारों की संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। भक्तों ने 35 अलग अलग लड्डू गोपाल का एक साथ महाभिषेक किया। भगवान कृष्ण और श्री राधा रानी का भी अभिषेक किया गया। लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। लोगों को बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ। हरे कृष्ण मूवमेंट के द्वारा जन्माष्टमी का ये कार्यक्रम बेहद ही शानदार रहा। न्यूज प्लस 21 के माध्यम से आप भी लीजिए इस भव्य कार्यक्रम का आनंद। देखिए ललिता चक्रधारी की ये खास रिपोर्ट। ललित महल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जहाँ पे जितने लड्डू गोपाल है, हमने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे 35 लड्डू गोपाल है, उनका अभिषेक किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभिषेक हो रहा है भगवान लड्डू गोपाल जी का। पंचामृत से यहाँ पे भगवान श्री लड्डू गोपाल जी का यहाँ पे अभिषेक किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और कई सारे भक्त यहाँ पे मौजूद हैं जो कि आए हुए हैं। और आइए हम आपको लेके चलते हैं, देखिए हम आपको बताते हैं कि जैसे हमने बताया था कि यहाँ पे अभिषेक होगा भगवान श्री कृष्ण जिला यहाँ पे बनाया गया है। हमने आपको वही बता दिया था कि ये सब प्रोग्राम होने वाला है। आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक है, वहाँ पे हो रहा है, आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का अभिषेक यहाँ पे किया जा रहा है। कई सारे लोग यहाँ पे मौजूद है, आप यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। हरे कृष्ण मूवमेंट के द्वारा यहाँ पे प्रोग्राम किया जा रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भक्त लगातार लाइन में लगे हुए हैं कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करने का ये जो सौभाग्य है वो उन्हें मिल सके। तो यहाँ पे भक्त हैं वो खड़े हैं कि वो भगवान को अभिषेक कर सके। कैसा महसूस हो रहा है आपको, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम लोग की सौभाग्य है जो हमको ये मिला करने को अभिषेक। बहुत ही अद्भुत अनुभूति हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कृष्ण जी के सानिध्य में पहुंच गए हैं और उनका आशीर्वाद लेके ही जाएंगे हम। तो यहाँ पे जो कीर्तन है वो लगातार हो रहा है, इसे भी आप देख सकते हैं। हरे कृष्ण का जो गाना है, हरे कृष्ण महामंत्र है, वो किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं यहाँ पे और भी यंगस्टर है जो यहाँ पे बैठे हुए, उनसे जानते हैं उन्हें कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा है, राधा कृष्ण का दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है और हम लोग को बहुत मजा आ रहा है। भक्ति भावना अपने से अंदर से फूट फूट के निकल रहा है। यहाँ आपके पैरों से लग रहा है कि यहाँ पे भक्त जो है बहुत ही खुश है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ आके ऐसा हो रहा है कि ना मन को एकाग्रित करने का हो नहीं रहा है, वो ऑटोमेटिक हो जा रहा है। बस भगवान में अपने आप मन लीन हो जा रहे हैं, वो करना नहीं पड़ रहा है। आप भी यहाँ पे बैठे, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? बहुत 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 अच्छा लग रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आनंद ले रहे हैं इस भव्य कार्यक्रम का जो हरे कृष्ण मूवमेंट के द्वारा यहाँ पे किया गया है।
यहाँ पे और भी माता जी लोग हैं उनसे भी जानते हैं कि उन्हें कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। आप इस दिन का कब से इंतजार कर रहे थे, आज यहाँ पे कार्यक्रम किया? उसी दिन से इंतजार कर रहे थे, पहले एक हफ्ते से तैयारी कर रहे थे यहाँ आने की। तो यहाँ पे आप प्रभु किसी भी जानते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है आज के इस आयोजन के बारे में बताइए प्रभु जी। सबसे ज्यादा हमारा अवेटेड कार्यक्रम है, मैं एक साल से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का इंतजार कर रहा था। आज यहाँ जन्माष्टमी में आने के बाद ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ा फेस्टिवल अगर कुछ है इस दुनिया में तो जन्माष्टमी ही है। बहुत अच्छा लग रहा है, हरे कृष्णा। यहाँ पे देख रहे हैं आपकी लोग जो है वो बहुत खुश है इस आयोजन का, यहाँ पे बहुत ही आनंद ले रहे हैं जन्माष्टमी का महोत्सव है। देखिए यहाँ पे भगवान जी है जो यहाँ पे फूलों के साथ अभिषेक हो रही है, यहाँ पे भक्त जो है वो भगवान का अभिषेक कर रहे हैं बहुत ही उत्साह के साथ। लड्डू गोपाल है बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और यहाँ पे भक्तगण जो है भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, उन्हें भी बहुत आनंद महसूस हो रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिनों से आपने इसकी तैयारी की थी? बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, एक हफ्ते से है। हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि आपको कैसा लग रहा है? पहली बार ऐसा अभिषेक हुआ है, देख के बहुत ही आनंद आ रहा है और बहुत भक्तिमय यहाँ का वातावरण है। सानिया सर से भी जानना चाहेंगे कि वो इस भव्य कार्यक्रम जो आयोजन किया गया है उन्होंने, वो इस अवसर पर यहाँ पे मौजूद है तो जानना चाहेंगे। हरे कृष्णा सर। बहुत ही सुंदर आयोजन और बहुत ही आनंदमय, पूरे छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा आयोजन हुआ और मेरे ख्याल से ऐतिहासिक, बहुत ही आनंदमय। पूरा ललित महल के अंदर ऐसा लग रहा है कृष्ण भगवान साक्षात आ गए हैं और साक्षात सबको, पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं और बहुत ही खुशी की बात है। इतना बड़ा आयोजन इस संस्था ने किया, उसके लिए पूरी टीम को, जितने लोग इनसे जुड़े हुए सभी लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सभी लोगों को आशा करता हूँ कल का कार्यक्रम भिलाई में है, अगर भिलाई हो सकता है जो आ सकते हैं वो भिलाई आए। बहुत ही सुंदर आयोजन और बहुत ही मजेदार कार्यक्रम यहाँ कृष्णाष्टमी ललित महल में हुआ है। बहुत ही सुंदर आयोजन हो रहा है, छत्तीसगढ़ में इस तरह का आयोजन पहली बार हो रहा है। बहुत ही आनंद है, सारे तरफ आनंद ही आनंद बिखेरे हुए हैं। बहुत कृष्ण जी जन्माष्टमी का बहुत बहुत लोगों को धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि यहाँ पे जो भक्तगण है वो कितने उत्साहपूर्वक इस कार्यक्रम का आयोजन ले भव्य आयोजन किया गया था, जिसका हमने आपको हर एक चीज यहाँ पे दिखाया कि किस तरह से भगवान का अभिषेक किया गया, कैसे यहाँ पे भक्त जो है वो लड्डू गोपाल का अभिषेक खुद कर रहे हैं, फूलों से यहाँ पे भगवान की अभिषेक हो रही है, आरती हुई, हर चीज हमने आपको दिखाई। और इसी की तरह से हम आपको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, आपको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।